दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का एम के इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो है मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था एक दोस्त का, जो यूट्यूब दोस्त हैं, जो BPL CRT 14 इंच, उसमें AV सॉकेट नहीं है तो अभी लगाना है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी लिया था। तो मैंने तो उन्हें सजेस्ट किया था इस फॉल्ट का कोई इसका इलाज नहीं है, क्योंकि पहले जो है ना इसका एक कन्वर्टर आता था, लेकिन अब वो कन्वर्टर आना बंद हो गया है। हो सकता है अगर आपके तरफ कन्वर्टर इसका मिलता है जो RF बनाता है तो वो आप लगा सकते हैं। बाकी जो है इसमें अब ये ओल्ड मॉडल हो गया है BPL TV, तो इसका वो कन्वर्टर मिलना मुश्किल है। बाकी इसके किट में जो है कोई ऐसा वायरिंग नहीं है जिससे कि आप जो है AV कॉर्ड लगा करके जो है इसको चला सकते हैं, और ना कि इसका रिमोट से आपका AV होगा, ठीक है। तो अगर आपको वो कन्वर्टर मिलता है RF कन्वर्टर तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर आप TV कस्टमर को वापस दे दें या तो फिर न्यू किट लगा दें उसमें। थैंक यू सर। लेकिन दोस्तों देखिए, इत्तेफाक की बात कि मेरे पास में आज एक TV आया BPL का ही, और फ़र्क इतना ही था कि ये 20 इंच का है और उनका जो TV था वो 14 इंच का था, लेकिन किट जो लगा हुआ है ये दोनों का एक ही जैसा। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं, जो इसमें हम अभी दिखाते हैं, जो इसमें भी जो है AV कॉर्ड लगाने के लिए नहीं है सिस्टम। तो उनको जो मैंने सजेस्ट किया था उसको मैं प्रैक्टिकली करके मैं अभी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले इस TV में कुछ और प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ मैं। तो वीडियो बहुत ख़ास बनेगा ये, क्योंकि ये बहुत ओल्ड मॉडल है, इसका अब स्पेयर पार्ट्स भी मिलना मुश्किल हो जाता है। ये इसमें देख सकते हैं आप, वर्टिकल लाइन आ रही है, तो पहले तो मुझे इसको ठीक करना होगा, उसके बाद जो है हम इसको ऑन कैसे करेंगे, फिर वीडियो कैसे चलाएंगे, वो भी हम दिखाते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, और ख़ास करके जो नए कारीगर हैं जिनको अभी ये मालूम नहीं है इस TV का फंडा, वो ख़ास करके ये सोचते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से मैं कुछ उल्टा सीधा वायरिंग कर दूँगा तो मेरा AV चल जाएगा और पिक्चर आ जाएगा और कस्टमर को मैं दे दूँगा और इससे मैं कुछ दो पैसे उपार्जन कर लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, शॉर्टकट आजमाएंगे तो इसमें नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैंने इसमें अच्छी तरह जो है अपनी तरफ से कोशिश करके देखा, लेकिन इसका जो है फार्मूला वही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे TV कॉर्ड नहीं लगा, कनेक्टर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ RF एक लगा हुआ है जो RF सॉकेट के लिए ट्यूनर लगा हुआ है। तो इसको हम चला के दिखाएंगे वीडियो। उससे पहले जो ये इसमें अभी लाइनिंग का प्रॉब्लम है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। अब ये देखना है कि ये वर्टिकल लाइन कहां से आ रहा है। जो स्पीकर का वायर है वो मैंने निकाल दिया है, और अब देखेंगे इसको कि कहीं योक से तो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर वर्टिकल AC से तो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर और क्या दिक्कत है। तो पहले हम योक चेक करेंगे, योक का जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सप्लाई जा रहा है उसका कंटिन्यूटी हम मीटर को डायरेक्ट में लगा करके और एक बार चेक करेंगे, उसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या है वो भी बताएंगे। ये देखिए मैंने मीटर को डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट पे लगा दिया है, और ये हमारा जो वर्टिकल सप्लाई जा रहा है वो ठीक है, और ये हमारा दूसरा जो है ये हॉरिजॉन्टल सप्लाई जो जा रहा है ये भी कंटिन्यूटी सही बता रहा है, इसका मतलब योक से प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं, उससे पहले हमें किट को पलटी करना पड़ेगा, और जो कि ये TV बहुत ज़्यादा पुराना है तो इस सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछले जो एक 5 वोल्ट 8 वोल्ट का वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था
कि कभी कभी क्या होता है सपोर्ट नहीं रहने के कारण से 5 वोल्ट 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर जो है आपका वो लूज कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो आईसी पे जब प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तो भी जो है इस तरह से प्रॉब्लम आएगा। आईसी पे वर्टिकल आईसी पे सिस्टम आईसी पे अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुंचता है, जो वर्टिकल आईसी पे 3.3 वोल्ट पहुंच रहा है अगर वो नहीं पहुंचेगा, वो पहुंचता है आपका यही 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर 5 वोल्ट 5 वोल्ट ट्रांजिस्टर से आउट होकर के। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है एक जो मैं अभी पीछे साइड से हाथ से हिला रहा हूँ, तो इसका आप देख सकते हैं प्रिंट हमारा पूरा छोड़ रखा है। तो पहले मैं इसको सोल्ड करूँगा और इसको सोल्डिंग करने के बाद अगला स्टेप क्या है वो मैं बताऊँगा। अगर हमारा प्रॉब्लम ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगला स्टेप के लिए हम देखेंगे। तो मैंने सोल्डिंग कर दिया है दोस्तों, वहाँ थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया था। और अब चलिए एक बार मैं टीवी को ऑन करके देखता हूँ, स्क्रीन के सामने चलते हैं। ये देखिए टीवी मेरा ओके हो गया है, जो वर्टिकल लाइन आ रही थी वो ठीक हो गया है। और ESD मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया था क्योंकि वर्टिकल लाइन आ रही थी मुझे दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा दिया था। तो स्क्रीन को मैं कम कर देता हूँ। और अब जो है अगला स्टेप जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम देखिए जो ये टीवी चलता कैसे है। जिनको मालूम है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं मालूम है जिनको नहीं पता है उनके लिए प्रैक्टिकली ये देख लीजिए, ये टीवी का एक ही उपाय है, यही है उपाय जिसके बदौलत ये टीवी चल सकता है। बाकी दूसरा आप कोई भी फंडा आजमाएं इसमें नहीं सक्सेस होने वाला है। ये मार्केट में इसका एक अलग से जो है कन्वर्टर आता है, जिस कन्वर्टर के माध्यम से जो है इस टीवी को आप चला सकते हैं। उस कन्वर्टर का काम है जो AV को वो RF बना करके RF में कन्वर्ट करके और फिर आपको साउंड और पिक्चर दिखाएगा। ये देखिए AV RF कन्वर्टर इस नाम से ये आता है, मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो चल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं चल पाएगा। इसमें 3 RC कॉर्ड लगाने के लिए दे रखा है, एक ऑन ऑफ स्विच दे रखा है और एक दे रखा है RF कॉर्ड जो कि आप ट्यूनर में लगाएंगे। तो मैंने ट्यूनर में लगा दिया है और जो लाल पीला सफ़ेद है उसको सेटअप बॉक्स में लगाएंगे। ये आप देख लीजिए इस तरह जो है इसको हमने लाल पीला सफ़ेद में लगा दिया है 3 RC कॉर्ड को। और अब क्या है इसमें, पहले क्या था हमें टीवी का सप्लाई देना पड़ता था और सेटअप बॉक्स का सप्लाई देना पड़ता था। और इसमें क्या करना है, इसमें हमें टीवी के सेटअप बॉक्स के साथ में जो है इसका कन्वर्टर का भी जो है सप्लाई हमें देना होगा, जब जा करके हमारा टीवी वीडियो दिखाएगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है उनके लिए बहुत ही कार्यरत वीडियो है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लोभ में फंसकर 2-3 दिन तक 4 दिन तक दुकान पे रखे रहते हैं, अपने पास रखे रहेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ हो जाए, लेकिन इसमें जुगाड़बंदी नहीं चलेगा दोस्तों। चलिए मैंने सप्लाई दे दिया है और कन्वर्टर का स्विच ऑन करना है। ये हमने स्विच ऑन कर दिया है और ये आप देख सकते हैं। अब चलिए हम एक बार सेटअप बॉक्स का जो सप्लाई है ये भी लगा देते हैं प्लग। मैंने लगा दिया है, अब हमें देखना है स्क्रीन के सामने। इसमें इस टीवी में AV ऑप्शन नहीं होता, ठीक है दोस्तों। ये जो चलेगा आपको जैसे ही आपने ट्यूनर में लगा दिया RF कनेक्टर उसी टाइम जो है आपका ये चल जाएगा। हाँ उसमें क्या है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 0 पे, तो अभी ये तो 1 नंबर पे चल रहा है। जैसे पहले हम DD1 DD2 चलाते थे ना 1 नंबर 2 नंबर पे, उसी तरह से ये अभी 1 नंबर पे चल रहा है। अगर हम अभी इसको चेंज कर देंगे तो 0 पे नहीं चलेगा, 2 पे नहीं चलेगा, किसी किसी में 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 1 पे नहीं चलेगा, किसी में 0 पे चलेगा।
तो जहाँ जिसमें मैचिंग हो जाता है ट्यूनर के साथ में कन्वर्टर, वहाँ पे जो है चल जाता है। तो देखिए आप अच्छी तरह से, मैंने जो है इसको विस्तार पूर्वक आपको बताया है जानकारी, और मुझे नहीं लगता जो इससे ज़्यादा क्लियर करके हम बता सकते हैं, और समझने के लिए जो है इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारा मैंने ESC को थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा दिया था उसको थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि रिट्रेस लाइन आ रही है, जो रिट्रेस लाइन आ रहा है पिक्चर बदलते टाइम दिख रहा है, उसको हम जो है थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो क्योंकि अब हमें पूरा कम, हम जब भी पिक्चर वीडियो बनाते हैं आप सभी के लिए, तो पूरा क्लियर करना चाहते हैं, भले ही आप हमारे वीडियो को देखें अथवा ना देखें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, तसल्ली नहीं करेंगे, तब तक हमें भी ये नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता कि आपको मैं वो वीडियो दूं। ये आप देख सकते हैं क्लियरिटी, आप देखिए एकदम क्लियर है कि इसको मैंने बंद कर दिया तो बंद हो गया, ऑन कर दिया तो ऑन हो गया, इसी से हमारा पिक्चर चलेगा। BPL का जो कुछ टीवी आती है इसमें आपको यही फंडा आजमाना पड़ेगा, तभी होगा। अगर कभी आप फंस जाएं इस प्रॉब्लम में, तो इस तरह से आप मार्केट में पता करें, RF कन्वर्टर करके आता है, या AV कन्वर्टर बोलेंगे तो दे देगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों से। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।